इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज मंसरा। इस वक्त हम नड़बीड़ कठा में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ साबक नाजम आशिक अवान साहब मौजूद हैं। और यहां एक जो अवाम का देरीना मसला था, क्योंकि आपने देखा जिस रास्ते से हम गुजर कर आए हैं, तो यहां पे चूँकि मुश्किल सड़क है, यहां के सिरा और बरसाती नाले जिनकी वजह से बारिश के बाद ये सड़क जो है कई दिन तक रब्ता सड़कें जो हैं उनका मुनक़ते रहती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे लोगों से भी, लेकिन अभी आशिक अवान साहब जो साबक नाजम हैं हमारे साथ, साजिद साहब मौजूद हैं और तमाम अमायदीन इलाका मौजूद हैं। और इस पुल का इफ्तिताह है जिसका अभी यहाँ पे लोग भी जमे हैं और हम उसके लिए आगे जाते हैं। ठीक, ये पुल की तामीर जो है वो एक देरीना लोगों का ख्वाब था, जो कि एलियाने नड़बीर और उसके साथ कालीदार और इन सब लोगों ने आशिक अवान साहब जो हैं इनके कोशिशों से अपनी मदद आपके तहत जो है इस पुल को तामीर करने के लिए आज इसका इफ्तिताह हो रहा है। और ये गलबन में बाद में बात करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो है लोग इसका मजीद इसको बेहतर बनाएंगे। पुल की तामीर के इफ्तिताह के मनाजर आप देख रहे हैं जी। नाजरीन, पुल की तमीर के मनाजर आप देख रहे हैं हमारे सामने। यहाँ की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत आशिक अवान साहब जो नाजम है साबक इस विलेज काउंसिल के, और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये लोगों ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। मशहूर शख्सियत तारक साहब मौजूद हैं, बाबू साजिद साहब मौजूद हैं, सैफुर रहमान साहब मौजूद हैं और साजिद साहब पुलिस डिपार्टमेंट से मौजूद हैं, जो अपने इलाके के माशाल्लाह बड़े खैर ख्वाह हैं। और मैं थोड़ा सा आपको ये अपनी मदद आपके तहत पुल जो है आप देख सकते हैं, क्योंकि इस कठा को भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ से गाड़ियों की ट्रांसपोर्टर्स के लिए और इलाके की आवाम के लिए काफ़ी मसाइल थे, और यही सड़क जो आगे नड़बीड़ से होती हुई अजीरा दलोला भोई और बहुत बड़े इलाकों को जाती है, और सामने जो आपको हम इलाका दिखा रहे हैं ये नड़बीड़ और उसके बाद ऊपर के जो इलाके हैं कालीदार वगैरह है। आमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तालियां मारो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आशिक भैया बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ताड़ी जी, सब ताड़ियां जी। फिर शुरू कर मायदीन इलाका ने जनाब आशिक अवान साहब साबक नाजम विलेज कौंसल नड़बीड़ जंगला की क्यादत में इनकी कोशिशों से इस पुल को तामीर किया। अवाम का एक दरीना मतालबा पूरा हुआ, और जो अरबाब अख्तियार और बड़ी सियासी शख्सियात हैं उनके लिए भी थोड़ा सा सोचने का मकाम ज़रूर है कि ये यहाँ पे बड़ी आबादी है और लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, तो उसी पुल से हम अभी गुजर रहे हैं। ये पुल है जो मजबूत है, यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो गुजर सकेंगी, जो कि अभी आज इसका इफ्तिताह हुआ है।
लकड़ से इसे तैयार किया गया है। जनाब आशिक अवान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैसे ख्याल आ गया कि यहाँ की आवाम ने सबका दौर में आपको इलेक्ट किया था, फिर बलदियाती निज़ाम ख़त्म हो गया, लेकिन आपने जो समाजी खिदमात है उसका सिलसिला उसको अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखा हुआ है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? हमें चूँकि जब हम इलेक्ट हुए थे 2015 में, अच्छा, उसके बाद ही मेरा चूँकि ये तो हमारा एक बहुत बड़ा मसला था जी। एक तो हमारी ये स्कूल की बच्चियाँ यहाँ से गुजरती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और शायद जो छोटी जो गाड़ियाँ हैं उनका गुजरना भी बड़ा मुश्किल था। जी जी जी। तो हमने चूँकि पहले भी कोशिश की इस पर, लेकिन नाकाम रहे। तो वो जब हमारा चूँकि कमाल खान ने जो नीचे नड़ी होना पुल है उसके लिए वो 50,000 रुपये उसने रखे हुए थे, लेकिन चूँकि फंड ना होने की वजह से वो काम भी ना हुआ। उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शन रह गया था कि हम इस लकड़ी का पुल तैयार करवाते हैं, चूँकि हमने लकड़ी का पुल तैयार करवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना यहाँ से गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, आम भी काफ़ी जा रही है, हमारे भाई मेरे गुजर रही है। बहुत शुक्रिया। उसके बाद साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इलाका के जो समाजी काम है। साजिद भाई, आप बड़ा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, ये आपका अपने इलाके के साथ मोहब्बत और प्यार है, क्योंकि आप असर रसूख वाले आदमी हैं, फिर अपने लोगों पे नज़र रखते हैं और इनके मसाइल को भी हल करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। असल में ये कट्ठे वाला ये नाले वाला मसला था, बहुत दरीना मसला है, क्योंकि ये सावन के महीने में या बरसाती मौसम में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा होती हैं। जब गाड़ियाँ आती हैं तो सामने ही रुक जाती हैं और यहाँ से ये गुजर नहीं सकती। तो हमने पहले कोशिश की थी, आशिक साहब ने, हमने पुल लगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। तो इस दफ़ा आशिक साहब ने ये फैसला किया कि हम इसको वक्ती तौर पे इस तरह का पुल हम बना लेते हैं जो वक्ती तौर पे हमारा गुजारा करे। तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग तावन किया, तो उनकी क़यादत में इंशाल्लाह ये पुल तामीर हो गया। अच्छा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ियाँ भी चल रही हैं और लोग भी आ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये बच्चियों का मसला था, वो भी हल हो गया माशाल्लाह इंशाल्लाह। पैदल चलने वाले लोगों के जो भी बड़ा मसला होता है, यहाँ से स्कूल के बच्चे गुजरते हैं और बड़ी है ना, बड़ी आबादी है। सैफर रहमान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सैफर रहमान भाई, आपने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आशिक अवान साहब को आप यकीनन खराज तहसीन पेश करेंगे। और आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमें तो बहुत खुशी है कि इलाके की ये परेशानी कम हो गई है, लेकिन हमें गिला है उन अरबाब अख्तियार से जिनकी आज मरकज़ में गवर्नमेंट है, और उन्होंने कहा कि ये नड़ियों का पुल लगाएंगे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने लकड़ का पुल लगा दिया है, उनके मुंह पर ये एक तमाचा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इसके अलावा यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं कोई भी अमायदीन इलाका, बात अमजद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब साबका चेयरमैन मलक आशिक अवान साहब और उनके साथ जितना भी ये हमारे टीम है, ये ग्रुप है, उन्होंने रात दिन इस मेहनत से, बड़ी जदोजहद से इस पुल को पायो तकमील तक पहुँचाया। मलक आशिक अवान साहब का बहुत अहम रोल है इस गांव जंगला नडवीड के लिए, क्योंकि यहां पर इस पुल के पास करीब ही से गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद है, जो कि बच्चियों का आना जाना होता है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बच्चों का भी है, जिनका आना जाना होता है, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बनती थी यहाँ से बच्चों का आना जाना। उसके बाद हमारे इस जंगला नड़बीड़ में, यहाँ नड़बीड़ में हॉस्पिटल मौजूद है, जहाँ से बुजुर्गों शहरियों का गुजरना, औरतों का गुजरना नामुमकिन होता था। वो कई घंटे कई देर से खड़े रहते थे, कोई नौजवान आदमी आए और यहाँ से कठे नाले को हम पास करें, यहाँ से गुजरना उनके लिए नहायत ही नामुमकिन था। मैं जनाब मलक आशिक अवान साहब, सबका चेयरमैन जंगला नड़बीड़, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया अपनी टीम के हमरा, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया यहाँ के अमायदीन इलाका, और ये मेरे ख्याल में पहली गाड़ी है मेरे ख्याल में पुल के इफ्तिताह के बाद। जनाब इकबाल साहब, जो इस इलाके की बहुत ही सरकर्दा
शख्सियत में इनका शुमार होता है। तो अभी हालिया जो आज इकबाल साहब यहाँ पे लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये पुल तामीर किया, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? चूँकि हुकूमतों के पास फंड भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन लोगों के जो मसाइल हैं वो तो चूँकि तो पड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मैं सारे तो पहले इस सारे लोगों ने जो पुल बनाया है इन्हें सारे को अप्रीशिएट करदा। एक नवी नौजवान नस्ल के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हुई है कि अपनी मदद आप देते हैं सुनो अपना ये वक्ती तौर पर जो मसला है हल कर गुजारा चला। ये बड़ी अच्छी बात है जी, ऐसा होना भी चाहिए कि लोगों को सरकारी जो फंड आते हैं उनसे हटके अपनी मदद। आपका जो जज्बा है ये बहुत है कदीम हमारे इलाके की और इस्लामी रवायात में भी ये बात शामिल है कि जहाँ कहीं मसाइल हैं तो हमें हुकूमत की तरफ ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो सके तो ख़ुद भी लोग उसमें ऐसा लें, जिसकी एक अमली मिसाल आज हम अपने सामने देख रहे हैं कि यहाँ से गुजरने वाले बच्चों को भी तकलीफ़ थी, बड़ों को भी तकलीफ़ थी, तो ये मसला हल किया है। तो हमारे साथ और इलाके की एक समाजी शख्सियत मौजूद हैं, इनसे भी हम ये कहेंगे कि इस मौजूदा सूरत हाल पे आपका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे शाखे तमन्ना जली तो नहीं, दबी आग जिगर की बुझी तो नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शहरों की, कटी है बरसरे मैदान झुकी तो नहीं। मैं आज इस मौके पर सबका चेयरमैन रीसी जंगला नड़बीड़ जनाब मोहम्मद आशिक अवान साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने नड़बीड़ कलीदार और मलका इलाकों का दरीना मसला हल कर दिया। हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम कल भी उनके साथ थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह आने वाले कल में भी उनके साथ रहेंगे। उनको भरपूर दामन का यकीन दिलाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं बाबू इकबाल साहब, बाबू साजिद साहब और आए हुए माजर मेहमानों का तय दिल से मशकूर हूँ कि वो आए और हमारा हौसला बढ़ाया उन्होंने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। यकीनन जी, अभी हम मेरे ख्याल में पुल तामीर और इफ्तिताह के बाद जो पहली गाड़ी यहाँ से गुजरेगी वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। आओ जी। लंगर की तकसीम का काम जारी है। पुल की तामीर के रोज़ लोगों बड़ी तादाद में यहाँ पे आवाम मौजूद थी, बड़ी तादाद में, और ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लंगर का इंतज़ाम किया है। बेहतरीन किस्म की जो बिरयानी है वो तैयार की है और अभी लोग यहाँ के जैसे खा पी रहे हैं। लोगों की आमद रफ्त का सिलसिला जारी है और खुशी है, यहाँ लोग इस बात पे बड़े खुश हैं कि यह एक मसला लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हल किया है, लेकिन ये बड़ा मसला है। Oh, 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 oh,